A sense of self. एक आइडिया होता है, एक सेंस ऑफ सेल्फ होता है, जिसके आधार पर इवन सांस लेने का एक्शन किया जाता है। कौन सा सेंस ऑफ सेल्फ है जिसके आधार पर यहां बैठने का भी एक्शन लिया जा रहा है, बोला जा रहा है। बिल्कुल अलग कर ले अपने आप को आत्मा, हर चीज जो बदल रही है, चाहे वो देह है, चाहे बाहर की सिचुएशंस हैं, चाहे वो मन के संकल्प हैं, बिल्कुल अलग हो जाओ, अपने आप को अलग समझो और शरीरी हो जाओ। मैं सिर्फ एक प्योर लिविंग लाइट हूं। दो मिनट बिल्कुल साइलेंस में अलग होकर।
बहुत कुछ बदल भी रहा होगा बाहर सिचुएशन में, शरीर में, मन के संकल्पों में। आत्मा अलग है, बिल्कुल अलग, टाइनी सी लाइट परमात्मा के साथ कंबाइंड। जो भी चेंज हो रहा है उसमें कुछ सत्य नहीं है। शरीर का भान भी मन के अंदर चेंज होता जा रहा है। आत्मा बिल्कुल आइसोलेटेड, अलग। देह के सब धर्म भूल जाओ, बाबा ने कहा। देह का धर्म हिंदू मुस्लिम नहीं है। देह का धर्म स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां जो कार्य करती हैं, वो उसका सूक्ष्म अर्थ है। आइसोलेट, सिर्फ बाबा एंड आई। जो भी चेंज हो रहा है इसका त्याग करते जाओ, बाबा को देते जाओ। अपने आप जा रहा है, त्याग होता जा रहा है तो अपने आप जा रहा है। त्याग अर्थात मैंपन नहीं उसके साथ। कोई भी संकल्प का लेंस यूज नहीं करना, छोड़ दो, छोड़ दो सारे लेंसेस, त्याग कर दो।
दिखेगा, बहुत सारी इमेजेस सूक्ष्म सूक्ष्म रूप में आ रही होंगी, जा रही होंगी। कौन हूं मैं जो उसको देख रही हूं? जवाब नहीं चाहिए मन से, नहीं, बस बाबा और मैं, साक्षी, क्योंकि जो भी चेंज हो रहा है, दिख रहा है, सब झूठ। सत्य का संग, बाबा और मैं आत्मा, इमेजेस के साथ एक नहीं हो जाना, अलग अलग, टू टाइनी पॉइंट्स, चेंजिंग शो ऑफ इमेजेस देख रहे हैं माइंड की स्क्रीन पे, देख नहीं रहे, अवेयर है पर इंटरेस्टेड नहीं, इंटरेस्ट एक दूसरे की तरफ देखने में है, इमेजलेस। टू इमेजलेस बींग्स, बाबा और आत्मा, न हाथ लगाना, न इंटरेस्ट लेना, अपने आप चुप हो जाएगा। मैं और बाबा, ये मैं देहभान का मैं नहीं है, ये मैं है रियल आई, इमेजलेस आई, साउंडलेस, थॉटलेस आई, चेंजलेस आई। ये पूरी देह का भान भी माइंड के अंदर फीलिंग के रूप में है, उससे भी अलग। बहुत सूक्ष्म है, अलग, सिर्फ एक प्योर पॉइंट ऑफ लाइट, स्टिल, साइलेंट, बस और कुछ नहीं।
कोई और फीलिंग मेरी नहीं है, आत्मा की नहीं, मेरी मतलब आत्मा की नहीं है। बाबा लाइट को फील कर रहा है जो कि मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा वो फील कर रही हूं जो बाबा फील कर रहा है। मुरली बहुत सुंदर है, तो ये आज की पहले पढ़ेगी। आप आत्मा को महसूस हुआ कि कैसे आप आत्मा बिल्कुल अलग हो, कैसे हम माइंड से चिपके हुए रह सकते हैं, महसूस हुआ जब मैं आत्मा और बाबा एकदम अलग, बाकी सब कुछ जो चेंज हो रहा है वो एक तरफ, बिल्कुल एक तरफ। एक फीलिंग होती है ना, एक सेंस ऑफ आई होता है, बैठे हुए यहां पर भी एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी होगी जो अंदर महसूस हो रही होगी आत्मा को। कौन सी सेंस ऑफ आइडेंटिटी है यहाँ? क्योंकि जो भी आपकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो आपकी वाइब्रेशन है, और जो आपकी वाइब्रेशन है वो आपका कर्म है। तो मुझे आत्मा की इस मोमेंट में क्लियरली दिख रहा है कि मैं एक पॉइंट, बाबा के साथ पॉइंट, और बहुत कुछ बदल रहा है माइंड की स्क्रीन में, कभी नहीं भी बदल रहा है, बॉडी बदल रही है सेंसेशंस मोमेंट बाय मोमेंट, नेचर ऑफ मैटर इज चेंज, आत्मा मैटर नहीं है, आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है जो कि मैं हूं, जो कि आप हैं। मुझे मुझ आत्मा के अंदर एक चेंजिंग मैटर की रिकॉर्डिंग है, संस्कारों के रूप में। तो मैं आत्मा इस चेंजिंग मैटर को
मटेरियल वर्ल्ड जो कि बॉडी और फिजिकल वर्ल्ड, और मैं टाइनी सी पॉइंट आत्मा मन को भी, जो कि आज मैटर माइंड जैसे हो गया है। ईगो माइंड इज लाइक मैटर माइंड। उसका भी नेचर ये सब नहीं है तो कौन बचा, कौन हूं मैं फिर? अगर ये सब मैं हुई नहीं तो मैं कौन? मूवमेंट चेंज हो रहा है, आवाज बदल रही है, शब्द बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है। कौन है जो नहीं बदल रहा है? वो बिंदु में है। तो जो वो बिंदु में हूं वो अलाउ कर रहा है इस सब को। वो मैं अनुभव, जो भी अनुभव भी बदल रहे हैं, वो मैं आत्मा अलाउ कर रही हूं। मेरे बिना ये अनुभव नहीं। तो वो सेंस ऑफ आइडेंटिटी क्लियर है, सेंस ऑफ सेल्फ। बाबा ने आज यही बोला है मुरली में। कि मीठी मीठी बच्ची, ओम शांति। मीठी मीठी बच्ची ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गीत सुना बच्ची बाबा के साथ। हर एक बात में नंबर बार कहा जाता है बच्ची, क्योंकि यह कॉलेज है अथवा यूनिवर्सिटी कहे। साथ साथ सच्चा सत का संग भी तो है ना बच्ची। सत कहा जाता है एक परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा को बिल्कुल, किसी ने आज एक क्वेश्चन पूछा, बहुत सुंदर था वो क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड है। उनका क्वेश्चन था कि आपने कल कहा था बाहर का ड्रामा रियल है, अंदर का ड्रामा जो फीलिंग्स इमोशंस है ये सब अनरियल है, तो आप बताएंगे कि ये क्या है? अंदर का ड्रामा तो फनी था, पर बाहर का ड्रामा, जैसे उन्होंने बोला कुछ दिन पहले आपने एक थॉट शेयर किया था कि एक सीन था ड्रामा में और अंदर का ड्रामा फनी था, बाहर का तो, कि जब अंदर का ड्रामा रियल नहीं तो बाहर का ड्रामा कैसे रियल? आप बता सकते हैं ये? रियलिटी जो बाहर का ड्रामा है, मैटर एग्जिस्ट करता है, राइट? तो बाबा जब सत्य का संग होता है तो बाबा को क्या दिख रहा है? बस वो रियलिटी है। जो बाबा को दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है, मैं टाइनी सी पॉइंट अभी देख रही हूं, मैटर एग्जिस्ट करता है। बाबा को पता है मैटर की दुनिया है, फिजिकल वर्ल्ड है, राइट? फिजिकल वर्ल्ड है ही नहीं, ये गलत है, ये भ्रम नहीं है, ये लाइफलेस है, वो अलग बात है, पर रियलिटी तो है ना ये फिजिकल वर्ल्ड। बॉडी एग्जिस्ट करती है, लाइफलेस है पर एग्जिस्ट तो करती है, रियलिटी तो है ना। अब वो चाहे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के रूप में ही क्यों ना हो, एग्जिस्ट तो करती है ना। तो ये है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मैटर एनर्जी, जिसमें बॉडी आ जाती है और फिजिकल वर्ल्ड की पदार्थ आ जाते हैं। नाम हमने अब उनको लेबल लगा दिए, वो अलग बात है, पर एक्चुअल है सिर्फ पदार्थ, पांच तत्वों के बने हुए, राइट? भले ही आप उसको बॉडी बोलो या फोन बोलो, फर्क नहीं है दोनों में। कोई फर्क नहीं है। मैं इसको कंप्यूटर बोलूं, बॉडी बोलूं, मैं इसको किताब बोलूं, मैं उसको पेन बोलूं, कुछ भी, तो सिखाया है वो बोल रही हूं मैं कि ये बॉडी है ये पेन है, तो
ये तो लेबल्स हैं, पर है तो सब पदार्थ। ये है रियलिटी, ये एग्जिस्ट करता है। अब जो अंदर का ड्रामा है, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, ये तो इमेजिनरी ही है बिल्कुल, उसको तो हाथ भी नहीं लगा सकती मैं। इनटेंजिबल मतलब वो सिर्फ एक इमेजिनेशन में है। तो ये जो पर्सन आइडेंटिटी है वो सिर्फ एक इमेजिनेशन में है, उसको आप उसको सिर्फ इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स का एक जुड़वा, वो क्या बोलते हैं, जोड़ के एक इमेजिनरी कैरेक्टर बनाया है। वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है जैसे मैटर एग्जिस्ट करता है। ये क्लियर हुआ? है मैटर भी लाइफलेस, पर वो तो लाइफलेस भी है और इमेजिनरी भी है, ये फर्क है। ये क्लियर हो गया? तो जब ये क्लैरिटी होगी ना। हाँ जी, थैंक यू। हाँ, किरण का एक क्वेश्चन था, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी हेल्पफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन रिपीट करें तो, बाबा जब सत्य का संग कर रही ना आत्मा, तो आत्मा को ये सत्य बहुत क्लियरली दिखेगा, इसलिए बाबा बोलता है सत का संग कर बच्ची, सत का संग। नहीं तो माया की इमेजिनरी थॉट्स का संग करती ना, तो तू इमेजिनरी दुनिया में रह रही है ना। मैं आत्मा इमेजिनरी थॉट्स, इमेजिनरी फीलिंग्स, इमेजिनरी इमोशंस का संग करूंगी तो मैं इमेजिनरी दुनिया में हूं। बॉडी को यूज कर रहा है इमेजिनेशन ही है आत्मा, सोई पड़ी है, पड़ी हुई है सोई भी, पर इमेजिनरी आइडेंटिटी इज टेकन ओवर। मैटर को यूज कर रहे, मैटर है, ऐसा नहीं कि मैटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बॉडी को यूज कर रही है आत्मा, पर आत्मा सोई भी तो इमेजिनरी आइडेंटिटी यूज कर रही है। क्लियर हुआ? मतलब झूठ में जी रहे हैं हम। हाँ जी, झूठ यूज कर, एक घोस्ट, एक भूत यूज कर रहा है जो कि इमेजिनेशन है। भूत है, भूत अंदर है, भूत बाहर नहीं है, अंदर है भूत, वो भूत यूज कर रहा है बॉडी को, रीनी भान, रीनी भी नहीं बोलूंगी, ये भी एक इमेजिनेशन है। ये भान ही जो है, संकल्पों का जो भान है, संस्कारों का जो भान है, वो यूज कर रहा है बॉडी को। स्क्रिप्ट में है, स्क्रिप्ट यूज कर रही है बॉडी को। बॉडी रियल है और थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस अनरियल है, राइट? यस, एब्सोल्युटली। सबका संग ही झूठा था, सभी का संग। हाँ, दुनिया झूठ समझ रहे थे मतलब, बट ये मैटर की दुनिया है जो चेंज होती, और चेंज में सोल नहीं होती। बिल्कुल, दुनिया झूठ नहीं है, दुनिया मैटर की दुनिया एग्जिस्ट करती है दुनिया झूठ नहीं है, फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट्स। जब बाबा बोल रहे दुनिया झूठी मतलब, ये जो रियल लग रही ना, मुंह बोलती भी चलती भी गुड़िया, वो रियल नहीं है, वो लाइफलेस है, उसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। पर बाबा ये भी बोल रहे हैं ना साथ में, तो समझना पड़ेगा। बाबा बोल रहे हैं एक तरफ दुनिया झूठ है, एक तरफ बोल रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, ये बाबा के शब्द है ना, ये का मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग यही हुआ कि जो दिख रहा है उसमें लाइफ नहीं है, इसलिए उसको जिंदा मत समझो, ये झूठ है, इसको जिंदा समझना झूठ है, पर ये एग्जिस्ट करता है, ये सच है। ना? और सपना क्या है? ये इमेजिनरी संकल्प जब मैं यूज करती हूं, और इमेजिनेशन जो स्क्रिप्ट, एक इमेजिनेशन है, उसके थ्रू आत्मा उस लेंस को, वो लेंस ही यूज कर रहा है। आत्मा देख भी नहीं रही, आत्मा देख रही होती तब तो फिर ऐसा होता ही नहीं
आत्मा तो सोई भी है, तो वो लेंस ही यूज कर रहा है, वो एक स्क्रिप्ट की जो इमेजिनरी गुड़िया है वो यूज कर रही है, इमेजिनेशन में जो संकल्प है वही चला रहे हैं, स्क्रिप्ट चला रही है बॉडी को। है ना, ऑटोमेटेड मोड में है, ऑटोमेटेड मोड में अभी। जैसे ही संकल्प आता है, सोई हुई आत्मा सोचती है ये मैं हूं, क्योंकि सपना दिख रहा, पता ही नहीं चल रहा उसको सपना है कि ये मैं हूं या ये सपना है, सपने में इतनी खोई भी है। 63 जन्मों का जो पाठ है, स्क्रिप्ट और संस्कारों और संकल्पों के रूप में रिकॉर्डेड है मन में। अब आत्मा को तो जो सोई भी उसको लग रहा है वही मैं हूं सपने में, और वो जो सपने में जो है वो ये ओनर जो समझ रहा है अपने आप को, ये भान है जो कि बिल्कुल धोखा दे रहा है, धोखेबाज भान। और मैं आत्मा धोखा खाए जा रही हूँ सपने में अपने आप को, ये समझ कर, यही इस आइडेंटिटी आइडेंटिटी से जो रिलेटेड संस्कार, और जिन संस्कारों से ये आइडेंटिटी बनी हुई दोनों तरफ, हाँ डबल साइडेड डोर, इन संस्कारों से जो आइडेंटिटी बन गई है, और जो आइडेंटिटी एक संस्कारों के उसके ऊपर जो बेस्ड संस्कार अपने लग रहे हैं, वो मुझे इतने अपने लग रहे हैं आत्मा को नींद में, उसको सफर कर रही है। और सफर भी कौन कर रहा है, ये आइडेंटिटी। आत्मा बस सोई हुई, उसको कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा उसको, बस सोई हुई है। क्लियर हुआ? ये क्लियर होगा ना तो क्लियर होगा ज्ञान बाबा का, नहीं तो नहीं होने वाला है क्लियर। इसलिए जब बाबा बोल रहे हैं फूल से कली से फूल बनना है, मतलब क्या है? अरे सोई हुई आत्मा जाग जा, थोड़ा थोड़ा जागते हैं फिर सो जाते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा जागते हैं फिर सो जाते हैं, जागृत अवस्था में ही देख सब कुछ, अपनी फूल की स्मृति में देख सब कुछ, तो ऐसे कुछ कम होंगे, कम होंगी वैसे। इसलिए सत्युग में पहले पहले पॉपुलेशन भी कम होती है। तब बाबा ने कल संडे में बोला था, निश्चय अलग होता है, फिर दूसरा तीसरा तो आ ही जाता है। कुछ होंगे बहुत निश्चय बुद्धि, एकदम निश्चय बुद्धि, आत्मा बिल्कुल एकदम निश्चय वाली, 100% में हुई बाप समान। अब बाप समान एक, इसने देखा है किसी ने कहा बाप समान, एक डायलॉग भी बन जाता है मन का, मैं बाप समान हूं, मैं बाप समान हूं, मुंह से मैं बाप समान बोलते हैं बस, पर बोल रहे हैं कि पर लगता तो नहीं है, अभी तक तो यही रियल लग रही है, तो फिर बाप समान बोल कौन रहा है? इमेजिनेशन ही बोल रहा है बाप समान हूं। इसलिए आत्मा आइसोलेट आइसोलेट, तो ये अभी वो पढ़ेगी वो पार्ट, बाबा एक ही बार आता है बच्ची, अब इस समय तू सच सच कहती है कि मैं सत के संग में हूं, ये है सत्य का संग, इतना इंपॉर्टेंट है बाबा का संग, क्योंकि बाबा के संग के बिना जो पल बाबा के संग नहीं, उस पल में इमेजिनेशन जी रहा है। भले कितना भी आप कर लो बाहर से, बाबा ने क्या बोला, 30 सेंटर भी खोल दो, वो सेवा नहीं है। रियल सेवा है सत्य का संग, बाबा के साथ आत्मा कंबाइंड। तो तू तो ब्राह्मण है ना बच्ची, उस सत को कहने वाले ज्ञान सागर के सम्मुख बैठी है ना बच्ची, देख बाबा आया है तेरा पिया है, और तेरे लिए ज्ञान की बरसात करता है तेरा पिया। ऐसा पिया मिलने वाला है कब में? नहीं पूरा मिलने वाला है ऐसा पिया।
तो बाबा कह रहे हैं पिया पिता को भी कहा जाता है। सारे रिश्ते एक साथ खींच लेता है वो अपने अंदर, आप आत्मा को एक भी छोड़ेगा नहीं वो पीछे, सब एक साथ हो जाओ, सब मेरे मेरे साथ। क्योंकि एक भी देहभान के रिश्ते में फंसी हुई आत्मा इमेजिनरी दुनिया में रह रही है, बाबा को ये पता है, इसलिए वो बोलता है मेरे साथ सारे रिश्ते बना तो ही तू इमेजिनरी दुनिया से बाहर आएगी मन की, नहीं तो मन की इमेजिनरी दुनिया में बैठी हुई है तू। है ना, अपने पहले तो इसी से जो रिश्ता बनाया हुआ है माइंड बॉडी से, वो पहले मेरे साथ बना। अब तेरा माइंड बॉडी भी तेरा नहीं, मेरा माइंड और मेरी बॉडी, मेरा माइंड और मेरा बुद्धि संस्कार सब तेरे। है ना, तो मैं आत्मा सत्य के संग में हूं। अब मैं सत्य के संग में रह के झूठ देख सकती, झूठ मतलब अनरियलिटी, अब मुझे वो झूठ नहीं दिखेगा, अब मुझे वो लाइफलेस दिखेगा। है मूवमेंट चल रहा है बॉडी का, ऐसा नहीं बॉडी का मूवमेंट नहीं चल रहा है, पर मुझे दिख रहा है ये मूवमेंट में जान नहीं, अगर मैं आत्मा नहीं हूं तो मुझे दिख रहा है साउंड है मुंह से, तो मुझे पता है अगर ये साउंड, मैं आत्मा हूं तो साउंड पॉसिबल है, ये वेव्स है साउंड, एक कुछ हवा से टकरा रहे हैं अंदर साउंड वेव से, तो वो शब्द जो है हमारा माइंड जैसे समझने की उसको ट्रेनिंग दी गई है उस अनुसार वो समझ रहा है। इसीलिए एक ही शब्द अलग अलग आत्मा अलग समझती है, क्योंकि वो साउंड वेव्स है, वर्ड इटसेल्फ इज नॉट लाइफ, शब्द में खुद में लाइफ नहीं है, शब्द लाइफलेस है, एक सिखाया गया कंडीशन्ड माइंड है। ये सब समझना जरूरी है हाँ, इस भ्रम को तोड़ने के लिए, ऐसा भयंकर पकड़ रखा है भ्रम ने। शब्द लाइफलेस है, शब्दों में जान नहीं है, एक ही शब्द अलग अलग, तो इसलिए कोई पूछता है हम सॉरी बोले, अरे भाई सॉरी वर्ड की बात नहीं है, बोल कौन रहा है ये इंपॉर्टेंट है और किस स्मृति क्या मतलब मुझ आत्मा की सेंस ऑफ सेल्फ क्या है, तो वो शब्द है कि उसमें मेरी पावर जाएगी, तो शब्द बाय इटसेल्फ इज लाइफलेस। बाबा की मुरली अगर आत्मा नहीं सुन रही तो वो एक स्क्रिप्चर है, शब्द है, आखिर बाबा भी शब्द का माध्यम यूज कर रहा है आपके ट्रुथ की तरफ पॉइंट करने के लिए। अगर सुनने वाली माया है ठीक है, माया ज्ञान सुने वो बेटर है कि अज्ञान सुने, उससे तो अच्छा ही है कि माया ज्ञान सुने, तो छोड़ना नहीं, माया सुन भी रही तो सुनने दो, चुप हो जाएगी थोड़े टाइम बाद, पर कहने का मीनिंग है कि शब्द जो बाबा यूज कर रहे हैं वो ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, हम शब्दों को पकड़ के बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं, पर बाबा ने तो ये बोला है, फिर दूसरी बात जो बोली वो भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, शब्दों को पकड़ने की आदत पड़ी हुई है, और हर एक की मुरली हम सभी एक ही पढ़ रहे हैं, समझ सब अलग अलग रहे हैं, क्यों शब्द तो एक ही है बाबा के, समझ क्यों अलग अलग है सबकी, है तो सत्य एक बाबा, उसके सत्य वचन है, पर अंडरस्टैंडिंग हर एक आत्मा की अलग अलग अलग, क्योंकि कंडीशनिंग माया की कंडीशनिंग अलग है, अगर आत्मा सुनेगी तो सब एक जैसे सुनेंगे, पर क्योंकि माइंड की कंडीशनिंग बीच में अलग आ गई है तो उसके फिल्टर के थ्रू सुनते हैं तो सबको अलग अलग समझ आती है। ट्रू, क्लियर हो रहा है, ये वर्ड्स क्या है, साउंड से टकराती है, पता है साउंड वेव्स होती है हवा में, पता है ना सब इनविजिबल है, ये जो आवाज ना एक आवाज है सिर्फ, वो टक्कर खा रही है किसी वेव से अंदर और वो फिर वो आपके कान में पहुंच रही है,
पता है ना सभी को, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना शब्दों को भी। बाबा का भाव क्या उसमें, जब भाव क्या है, भाव परमात्मा का भाव देखना, टच करना, उसको खींचना, उसको एब्जॉर्ब करना सीखना है मुरली से। है ना? हाँ जी, तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि नंबर वार कलियां और फूल बनते हैं। कोई अच्छी रीति खेले हैं, कोई आधा खेले हैं, क्यों? कोई अच्छी रीति खेलते हैं, कोई आधा खेलते हैं। इसलिए बाबा रोज ज्ञान सुनाता है, रोज ज्ञान सुनाता है ना? बगीचा तो है ना बच्ची, बगीचे में तरह तरह के फूल हैं बाबा के। हाँ है ना, ये साइंटिफिक है थोड़ा, कि साउंड हाउ इट कम्स बैक। हमारे कान, बाबा बोलते ना पर्दे हैं, एक्चुअल में पर्दे हैं, रियलिटी है ये। साउंड वेव्स होती है, मुझे इतना साइंटिफिक डिटेल नहीं पढ़ा है, पता है आप गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा, पर इतना पता है इसको, ये साउंड वेव्स होती है हवा के अंदर, जिससे हम अगर FM रेडियो ऑन करते हैं तो हमको उसके ऊपर जो गीत चल रहे हैं वो सुनाई देते हैं, AM रेडियो ऑन करते हैं तो उसके ऊपर जो गीत चल रहे हैं वो सुनाई देते हैं हमको। तो ये एक्चुअल में साउंड वेव्स होती हैं, उसको यूज किया जाता है रेडियो स्टेशन बनाने के लिए, क्योंकि इसमें विजुअल तो होता नहीं है, रेडियो आवाज सुनाई देती है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, है ना? तो आत्मा जो है ना, बाबा के शब्दों को भी बाबा की इस फ्रीक्वेंसी में बैठकर सुनेगी ना, वो अलग तरीके से सुनाई देंगे। माया रावण की संकल्पों की स्वरूप बनकर उस फ्रीक्वेंसी में सुनेगी ना, तो शब्द अलग सुनाई देंगे, भाव अलग कैच करेगी। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, इसने सोचा ही नहीं था, इसको खुद को ही नहीं पता ये बोल रही है, पर ये सच है ये। हाँ साउंड्स आर वेव्स, वी कैन लिसन अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल, मैं किस फ्रीक्वेंसी में हूं मुझे वैसे सुनाई देगा। तो ये सब कुछ आत्मा को, इसलिए बाबा बोलता है बच्ची मेरे पास बैठ, मैं हूं बस, मैं हूं बस, मैं हूं बस, मैं हूं तेरा। बाकी साउंड का इफेक्ट भी झूठ जो तुझे समझ में आ रहा है माया माइंड से, मूवमेंट का इफेक्ट भी झूठ जो तुझे समझ में आ रहा है आंखों से देखकर, झूठ मतलब रियलिटी नहीं है उसमें, झूठ मतलब उसमें लाइफ नहीं है, सॉरी, झूठ मतलब उसमें लाइफ नहीं है, एग्जिस्ट है पर लाइफ नहीं है। ये सारा थिएटर का माल है, साउंड वेव्स, साइट इफेक्ट, मूवमेंट इफेक्ट, ये सारा, ये सब प्रॉप्स है थिएटर के। पांच एलिमेंट्स ही नहीं है सिर्फ, उसके साथ सूक्ष्म प्रॉप्स बहुत सारे हैं जो एक्सपीरियंस को रियल बनाते हैं। है ना? तो जो जितनी जितनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, अपने आप पता चलेगा। मैं टाइनी सी पॉइंट, परमधाम में तो ये सब है ही नहीं, मतलब ये थिएटर से बाहर निकलते ही, माया माइंड और फिजिकल वर्ल्ड के थिएटर से बाहर निकलते ही मैं हूं ही घर, और मैं हुई घर में। ये सिर्फ एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, इमर्सिव मूवी बनाने के लिए ये हमको सूक्ष्म और स्थूल प्रॉप्स दिए गए हैं। पर एक्चुअल में आत्मा हिली नहीं, एक ही जगह स्टिल साइलेंट है। तो बाबा को भी आकर सपने में हमको ज्ञान सुनाना पड़ता है।
है ना? अरे जाग सजनिया, बहुत टाइम सो लिया, थक गई होगी, सो सो के भी ज्यादा सो जाते हैं वो भी थक जाते हैं, उसकी थकान अलग होती है सोने की ज्यादा लंबा है ना कोई बहुत ज्यादा सो जाता है ना, बोलता है मैं तो थका थका उठा, मैं महसूस करता हूँ थका हुआ हूँ बहुत, अरे 4-15 घंटे सोया इसीलिए शायद थका हुआ हूँ हम 2,500 साल सोए हुए इसलिए बहुत थके हुए बहुत ज्यादा थकान है। अब उठ जा भी। तो बाबा बोल रहे हैं कि यह भूल अपने स्वधर्म में टिक जा माया फिर नहीं, ये भी बहुत रावण रावण से राम की भेंट होती है, अभी सेंटर्स खोलते भी हैं, कोई कोई खत्म भी हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं, माया बड़ी जबरदस्त है, यह है चट्टा बेटी राम और रावण की, राम राम कहा जाता है, ऐसे नहीं त्रेता वाले राम को याद करते हैं बच्ची, नहीं नहीं बच्ची नहीं, यह राम राम परमात्मा के लिए कहते हैं बच्ची, रावण से राम की भेंट होती है, सीता की नहीं हो रही है, राम और रावण की लड़ाई हो रही, सीता नहीं लड़ाई करती है, हार जाएगी हार जाएगी, राम है बाप और रावण है दुश्मन माया, माया मतलब सपने का इफेक्ट, माया भी जबरदस्त है बच्ची, यह खेल है एक दो को फारकती दिलाना, एक दो को फार, कितना सुंदर बताया बाबा ने, एक दो को फारकती दिलाना यही तो खेल है, राम तुझे रावण माया की से त्याग दिलाता है और माया फिर तुझे बाप से त्याग दिलाती है सो क्यूट कितना क्यूट है बाबा, कितना लिविंग फील होता है मुरली से, कितना लिविंग फील होता है, अगर आत्मा सुन रही तो लिविंग बीइंग तो सिर्फ बाबा ही लगता है, है ना? तो फिर बाबा बोल रहे कि बाप कहता है बच्ची देह सहित जो भी संबंधी आदि देह के हैं सबका बुद्धि से त्याग कर दे, त्याग कर दे, अपने नहीं है सब, एक माया मन के सिखाए गए कंडीशनड माइंड है, कंडीशनड है, हाँ बच्चा पैदा हुआ उसको बोला तू मेरा बच्चा है तू मेरा बच्ची है, बोला ना, फिर उसको सिखाते गए ये तेरी मम्मी ये तेरे पापा, बोल 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 के यहां बिठा दिया है ना, फिर एक ही एक दूसरे के प्रति ही हम क्या हो गए, ऑब्स्टिकल बन गए, एक दूसरे को आत्मिक स्वरूप से रोका, परमात्मा का प्यार खींचने से रोका, किसी ने कल इसको बोला कि कोई है एक वो बहुत कट्टर समझ के चल रही है ज्ञान में अपने आप को, अब उसका हस्बैंड बोल रहा है छोड़ दो इसको हट ले जाओ आप इसको यहां से, वो ज्ञान में यहां पे नहीं आती है पर वो होगी ज्ञान में, मुझे पता नहीं कौन है वो पर है, वो बोल रही थी कोई है जो उनके रिश्तेदार में है, तो मैंने कहा गलती उस आत्मा जो पति का पार्ट प्ले कर रही है उसकी नहीं है, उसकी गलती नहीं है, आत्मिक स्वरूप में जब आत्मा होगी ना तो सामने वाली आत्मा को बहुत प्यार मिलेगा आपसे, जब वो परमात्मा के प्यार से भरपूर होगी ना तो अपने आप ही वो आपके पार्ट से कुछ नहीं चाहेगी, ना तो उसको परमात्मा का प्यार महसूस हो रहा है आपसे, ना उसको आप आपके अंदर से रिजेक्शन की फीलिंग आ रही है उसको सारा टाइम, तो आत्मिक स्वरूप का मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं है और डबल प्यार है, अब तो उसमें परमात्मा का प्यार भी मिल गया, और तो आत्मा के साथ साथ परमात्मा का भी प्यार मिल गया उसको, तो पॉसिबल नहीं कि वो आत्मा ऐसे बोलेगी,
मतलब बोल भी रही तो वो ऐसा वाकई में वो 10 साल से ज्ञान में, उसको ऐसे अब निकालो उसको यहां से। फिर बाबा बोलते हैं ऐसे बच्चे नाम खराब करते हैं। है ना, ज्ञान को सही नहीं पकड़ा है। अरे वो गाली दे आप फूल बरसाओ ना, आता नहीं है क्या फूल बरसाना आत्मा को? आत्मा प्यार का सागर फूल नहीं बरसा सकती? फूल बरसाना मतलब फूल खरीद के बरसाना नहीं है, तो क्या फूल प्यार रेडिएट नहीं करती है आत्मा? हाँ वो गाली दे आप अंदर से प्यार की फीलिंग, ये है आत्मिक स्वरूप, ये है देह के सब धर्म छोड़ अपने को अकेला समझ बच्ची। अभी बाबा ने ये भी बोला है, नहीं इससे पहले जो संबंधी आदि देह के सबका बुद्धि से त्याग कर, ये मतलब है उसका कि प्यार दे, आत्मिक प्रेम दे बच्ची, आत्मिक प्रेम। मेरा भी प्यार उसमें फिर शामिल हो जाएगा बच्ची, तू मेरे लिए चैनल बन, मेरे लिए चैनल बन, आत्मिक प्रेम बहने दे उनकी तरफ, फीलिंग मन में आ रही तो वो त्याग कर दे, मुझे त्याग कर दे। ये देह का धर्म हुआ ना, फीलिंग आना, हर्ट होना, ये है देह का धर्म। सिर्फ मैं हिंदू, तू मुसलमान, तू सिख, तू ईसाई, ये नहीं है धर्म। हाँ फ्रीक्वेंसी राइट रख के सुनना, वो तो स्थूल में है, सूक्ष्म धर्म ये है। देह के धर्म कौन से हैं? हर्ट हो गई, किसी ने इंसल्ट कर दी, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, साधारण फील कर रही हूं, मुझे बहुत नीचा फील कराते हैं वो, ये सब देह के धर्म है। और क्या होते हैं देह के धर्म, पता होंगे किसी को? और क्या होते हैं देह के धर्म? पता होना चाहिए देह का धर्म, जब बाबा बोल रहे हैं तो मीनिंग क्या है उसका सूक्ष्म। अरे मेरे बच्चों का क्या होगा, गिल्ट में ऐसे मैंने कैसे कर दिया, मैंने कैसे बोल दिया, नाराजगी उदासी, ये सब देह के धर्म है। सूक्ष्म में खुशी हो रही है, ड्रामा में कुछ अच्छा हो गया, ड्रामा में क्या अच्छा हुआ, मन में, मन को अच्छा लग रहा है कुछ। देह का धर्म एक्सपेक्टेशन, अपने ही पार्ट से एक्सपेक्टेशन, सबसे पहले तो मेरे अंदर ये संकल्प क्यों आ रहे हैं, ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, ये सब देह का धर्म है। कब जाएगी ये फीलिंग, ये सब देह का धर्म है। हाँ ये सब देह के धर्म है, मुझे सब गलत समझते हैं, बाकी सब सही समझते हैं, अपने आप को मुझे गलत समझ। अब इस देह के धर्म में क्यों फंसी पड़ी है, हे आत्मा, ये तेरे संकल्प नहीं है, ये तेरी फीलिंग्स नहीं है, हे आत्मा, मैं ही क्यों? है ये देह का धर्म आपका, मेरा घर ठीक हो जाए बस, ये पति चेंज हो जाएगा तो मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, फिर ज्ञान में ये थोड़ा सहयोगी हो जाए बस, थोड़ा सही, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सहयोगी हो जाए। ज्ञान ही गलत पकड़ा है, फिर गलत पकड़ के हम बाबा की इंसल्ट करवाते हैं सोसाइटी में। है ना, फिर डिससर्विस का माध्यम बन जाते हैं, कट्टर हो जाते हैं, कट्टर, फनाटिक नहीं होना है, ये कोई धर्म नहीं है, देह का धर्म नहीं, जो फनाटिक होना है उसमें, कट्टर, कट्टर नहीं होना है, डिटर्मिंड होना है, कट्टर नहीं, फर्क है डिटर्मिनेशन और कट्टरता दोनों में। कट्टरता में प्यार नहीं है, कट्टरता में सूखापन है, कट्टरता में क्या बोलते हैं,
फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन। और डिटर्मिनेशन, दृढ़ता जो आत्मा का नेचर है, दृढ़ता उसमें क्या है, उसमें प्यार की ऑयलिंग होती है, ऑयलिंग चलती है उसमें, पूरी मशीनरी में ऑयलिंग चलती रहती है उसके प्यार से। आत्मिक स्वरूप के प्रेम से रिश्तों में प्यार बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ता है, बढ़ता मतलब इमर्ज होता है जो रियल है। वो कुछ भी बोल दे मेरी तरफ से सिर्फ प्यार जाएगा, ये तो क्लैरिटी इतनी हो जाती है कि पूछो मत, पूछो ही मत, सच्ची पूछना ही मत, इतनी क्लैरिटी हो जाती कि सिर्फ प्यार ही जाने वाला है, यहां से कुछ और मिलने वाला नहीं, क्योंकि मेरा स्वधर्म ही प्रेम है, मेरा स्वधर्म ही रिस्पेक्ट है। ये होती है आत्मिक स्वरूप की ऑयलिंग। हाँ, और नहीं तो है फ्रिक्शन। क्या चाहिए, कौन सी आत्मिक स्मृति, कट्टरता की या दृढ़ता की? पहले तो अपने ही पाठ के साथ, हाँ दूसरे तो बाद में आएंगे बेचारे नंबर में, पहले तो अपने ही पाठ के साथ कट्टरता है कि दृढ़ता है? सत्य का संग है, वाकई में बाबा के संग है, अपने पाठ के प्रति भी कट्टरता नहीं होगी, दृढ़ता, दृढ़ता। कट्टरता अपने पाठ की तरफ, मतलब ये फीलिंग क्यों आई, आई डोंट लाइक दिस फीलिंग, मुझे ये फीलिंग पसंद नहीं है, कब जाएगी ये फीलिंग, कब जाएगी, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे ये। दृढ़ता मतलब फीलिंग है, बाबा के साथ बैठी हूं, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, एकदम नॉन वायलेंट बीइंग हूं, फीलिंग है, निर्जीव है बेचारी, आई है जाने के लिए, स्क्रिप्ट का पार्ट है, मुझे आत्मा के अंदर ही तो है बेचारी, स्क्रिप्ट क्या करेगी। फीलिंग है, कट्टरता नहीं है, अपने प्रति इतना प्यार तो दूसरे के प्रति तो नेचुरली आएगा, 24 घंटे में अपने साथ ही तो रहती हूं, तो जैसा व्यवहार मेरा अपने साथ वैसा दूसरी आत्माओं के साथ जैसा व्यवहार मुझ आत्मा का अपने मन के साथ, वैसा व्यवहार ऑटोमेटिकली दूसरी आत्माओं के साथ, दूसरों की कंपनी तो फिर भी 2 घंटा है, मेरे मन की कंपनी में आत्मा 24 घंटे रखती हूँ, तो जैसा मुझ आत्मा का एटीट्यूड अपने मन की तरफ, वैसा सर्व आत्माओं की तरफ नेचुरल संस्कार होगा। तो जो कोई पूछता है ना, पर हमारे संस्कार में कभी कभी जैसे आ जाता है, आ ही नहीं सकता है जो अपने मन से साक्षी होकर उसको इतना प्यार दे रही है, नेचुरली दे नहीं रही है, रेडिएट अपने आप ही हो रहा है आत्मा से मन को, परमात्मा और आत्मा से मन को इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है, वो बेचारा प्यार को देख देख के ही पागल हो जाता है, वो माया को छोड़ देता है ना, वो भी माया की स्क्रिप्ट को छोड़ देता है, क्योंकि कोई उससे लड़ ही नहीं रहा है, लड़ ही नहीं रहा है उस मन से कोई। मन सुमन हो जाता है, बिल्कुल। आत्मिक प्रेम पहले अपने प्रति, तो जो बहुत कट्टर होते हैं ना उनमें कमजोरी है ये, कट्टरता एक कमजोरी है, आत्मिक प्रेम हो। अरे अब भी प्रेम नहीं किया बाबा के साथ मिलके सर्व आत्माओं को, तो किया किया आपने फिर संगम में, हर आत्मा के प्रति इतना रिस्पेक्ट अंदर से महसूस होगा,
बस आपके जैसा पार्ट तो है ही नहीं किसी का भी। इतना ब्यूटीफुल गालियां दे रहे हो, इतना ब्यूटीफुल लगता है आत्मा को, इतना ब्यूटीफुल लगता है क्योंकि वो साउंड पहुंचती है उसकी तरफ अलग है, फ्रीक्वेंसी उसकी अलग है। उनका भाव, नीचे का भाव, आपका भाव, परमात्मा के साथ का भाव, आपकी तरफ जब तक पहुंचते तब तक तो आपके अंदर से प्यार ही प्यार की बौछार होती है। पर मैं भी उन्हीं की फ्रीक्वेंसी लेवल पे सुन रही हूं उनके शब्दों को, तो फिर वो जिस जो उनकी फ्रीक्वेंसी वो मेरी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। कितनी सूक्ष्म बातें हैं ना ये बाबा की। तो सेल्फ लव भी वही है। मीनिंग क्या है सेल्फ लव का? रीनी को प्यार करना नहीं, कि रीनी को गाली कैसे दे दी ऐसे, तो मैं क्या अपने आप का रिस्पेक्ट नहीं करूंगी क्या? ये भाषा ही गलत है, समझ में ही नहीं आई है, ज्ञान ही नहीं समझ आया अभी तक। अरे वो मदद कर रही है इसको खत्म करने में, मददगार है वो आपकी। मददगार है। अरे आपके मन के संकल्प और इमोशंस मददगार हैं आपके। बाहर तो बाद में आएगा, पहले तो आपके मन के संस्कार संकल्प जो आपको खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं बोल बोल के, बोल बोल के इमोशनल ट्रिगर जो आते रहते हैं, आते रहते हैं। अरे वो मददगार हैं आपके। वो आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं आपकी, वो आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है। ड्रामा वही तो ड्रामा है जो आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है। स्क्रिप्ट कौन है आप पता है आपको? हम आप हो इसलिए हम इमर्ज भी हो रहे हैं, आप नहीं हो तो हम होंगे ही नहीं। तो हर्ट की भी फीलिंग आई। हाँ मुझे आत्मा को दिखा बाबा, वाह हर्ट की फीलिंग दिख रही है, ये लोअर फ्रीक्वेंसी की फीलिंग दिख रही है मुझे, पर मैं तो उस फ्रीक्वेंसी पे हुई नहीं। मैं कौन सी फ्रीक्वेंसी पे हूं आत्मा? हाँ बाबा की फ्रीक्वेंसी पे हूं, इसलिए हम बोलते हैं बाबा जैसे कैसे उस हर्ट की फीलिंग को बाबा कैसे देखेगा? ये है उसकी फ्रीक्वेंसी में रहकर देखना। हम बोल तो देते हैं लाइन बाबा कैसे देखेगा, पर फील नहीं हो रही होती क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी अभी तक सेंस ऑफ आइडेंटिटी लोअर फ्रीक्वेंसी में है। क्लियर हो रहा है ये सब? ये समझ नहीं आया? अच्छा ये जो फीलिंग्स है ना एक फ्रीक्वेंसी है, इमोशंस फीलिंग्स थॉट्स एक फ्रीक्वेंसी है, लोअर फ्रीक्वेंसी है ना? ये ड्रामा के इस पार्ट के लिए जरूरी था। 2500 साल जो मुझे आत्मा ने पार्ट प्ले किया है लोअर फ्रीक्वेंसी में किया है ना, वो इंपॉर्टेंट था। 2500 साल जो मैंने रावण के साथ पार्ट प्ले किया, अब संगम में आ गई मैं, संगम में ये फ्रीक्वेंसी यूज नहीं करती मैं, पर ये एग्जिस्ट कर रही है मेरे साथ साथ, चल रही है मेरे साथ साथ। मेरे पास और आत्मा के पास जो जागृत आत्मा है वो चॉइसलेसली क्या यूज करेगी? हायर फ्रीक्वेंसी। चॉइसलेसली चूज नहीं करेगी वो, क्योंकि आत्मा जागृत है तो वो ऑटोमेटिकली बाबा की फ्रीक्वेंसी यूज करेगी। चूज नहीं करना पड़ेगा कि मैं ये करूं कि ये करूं, नो, मेरे लिए नेचुरली वही लगेगा मुझे जो बाबा की फ्रीक्वेंसी पर फीलिंग्स हैं। तो बाबा की जो फीलिंग है वो मुझे नेचुरल लगेगी, माया मन की फीलिंग लोअर फ्रीक्वेंसी की फीलिंग है वो मुझे नेचुरल लगेगी ही नहीं। लगेगी ही नहीं क्योंकि मैं एक प्योर लिविंग लाइट हूं। वो चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है वो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को हिंदी में? फ्रीक्वेंसी इन हिंदी बारंबार बार होना, नहीं आवृत्ति, नहीं तरंग, तरंग, हाँ तरंग, तरंग, तरंग।
तरंगे होती है ये दुनिया में, सब तरंगे हैं, वाइब्रेशंस हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, पूरी दुनिया में तरंगे हैं हर जगह फिजिकल वर्ल्ड में। फिजिकल वर्ल्ड तरंगों का वर्ल्ड है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं यहां पर। क्लियर? वाई चॉइसलेसली? क्योंकि आत्मा इस फ्रीक्वेंसी पे नहीं रहती है, आत्मा संकल्पों की फ्रीक्वेंसी पे है, स्क्रिप्ट की तो फिर इस फ्रीक्वेंसी का पार्ट हो जाएगी, पर आत्मा बाबा के साथ है उस फ्रीक्वेंसी पर, तो चॉइसलेसली मतलब उसको चूज नहीं करना, उसके लिए नेचुरल जो लगेगा वो ही वो अपने आप होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं ना नेचुरल, अब नेचुरल एक शब्द माया भी यूज करता है, नेचुरल है, नेचुरल है, नेचुरल है, पर एक्चुअल में जब आत्मा यूज कर रही है नेचुरल, तो रियलिटी में उसको संस्कार बाबा के ही अपने लग रहे हैं। रियलिटी में उसको भले कितना भी डिम लग रहा होगा उस वक्त, एकदम हल्का हल्का फील हो रहा होगा, तभी भी रियलिटी वही लगेगी उसको। इसलिए जब बाबा बोलते हैं ना परम धाम की फ्रीक्वेंसी, मतलब बाबा की फ्रीक्वेंसी, बाबा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे है, और उसकी फ्रीक्वेंसी कभी ये नहीं होती है, ऐसे फ्लक्चुएट नहीं होती है। तो जब मैं उसकी फ्रीक्वेंसी में हूं, मैं उसकी तरंगों में, तरंगे मतलब सिर्फ विजुअलाइजेशन की लाइट नहीं है, उसको हमने कितना स्थूल बना दिया ज्ञान में आने के बाद, आत्मा की फीलिंग वो जो बाबा की फीलिंग, बाबा जैसे मुझे फील कर रहा है। तो ये एक काम ये करती है आत्मा, जो शायद बताना भूल भी गई है, कभी कोई कुछ कहता है या मन में कोई संकल्प भी आता है ना, कोई फीलिंग, कोई इमोशन, या बाहर से कुछ आया, मन में कुछ आया, एकदम बाबा की भूमि में जाती ना, तो बाबा की फीलिंग को फील करती है वो तरंगे, मतलब वो फीलिंग, उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो मेरी फ्रीक्वेंसी है, जो वो फील कर रहा है ना वो मैं कर रही हूं। तो इसमें एकदम अपना वो अलग हो जाता है, जो बाबा ने अभी नेक्स्ट लाइन बोली है, भूल अपने बच्ची देह के सभी संबंध आदि देह के सबका बुद्धि से त्याग कर, सर धरवानी में फलाना हूं फलाने धर्म का हूं नहीं, यह भूल अपने स्वधर्म में टिक, देह के सब धर्म छोड़, अभी ये सूक्ष्म में समझना है ना, हमने जो बताया देह के धर्म सब छोड़, अपने को अकेला समझ, ये आज मुरली में बाबा ने बोला, आइसोलेट योर सेल्फ एज अ पॉइंट, अपने को अकेला समझ। क्यों? जैसे ही आत्मा इस पूरी लोअर फ्रीक्वेंसी से, माया माइंड की स्क्रिप्ट से दूर, फीलिंग्स इमोशंस थॉट से दूर, अकेला होते ही किसके साथ होगी, बाबा को पता है। आ गई बच्ची मेरी कैंप में, आ गई मेरी कैंप में, निकलते ही उस फ्रीक्वेंसी से बाहर। बाबा के साथ निकलते, फ्रीक्वेंसी से बाहर निकलते, मेरी नहीं लग रही है उससे बाहर आते ही बाबा के साथ है। बाहर निकलना मतलब वो मेरी नहीं लग रही है, झूठ मतलब स्क्रिप्ट, फीलिंग्स थॉट्स इमोशंस, 63 जन्मों की फीलिंग्स रिकॉर्डेड है, संस्कार रिकॉर्डेड है, फीलिंग्स के रूप में, थॉट्स के रूप में ये संस्कार रिकॉर्डेड है, अब अपने नहीं है ये, समझ से, ज्ञान से, इमेजिनरी वाइब्रेट वो विजुअल से नहीं, ज्ञान से समझ है, और योग से क्लियर हो गया है। इसलिए बाबा की लाइट में बैठना मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग हो ये सारी पीछे उसके तो बाबा की लाइट में फिर भले ही आप विजुअल दे रहा है बुद्धि मन, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग की बैकअप हो। क्लियर? तो बाबा बोल रहा है बच्ची देह के सब धर्म छोड़, अपने को अकेला समझ, इस दुनिया की हर चीज से त्याग दिलाता हूं बच्ची को,
ये बाहर की स्थूल चीजें नहीं है, ये तो बहुत ही स्थूल है, वो तो अपने आप हो जाती जो इतना सूक्ष्म है। पॉइंट ऑफ लाइट के लिए क्या मैटर करता है, पर जो टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट है ना, स्थूल चीजें क्या है, दुनिया की फ्रीक्वेंसी, ये साउंड वेव्स, ये मूवमेंट का जो चकाचौंध दिखता है, मूवमेंट रियल लगता है मायामन की बुद्धि, मायामन की आंखों से देखने से ये मूवमेंट लगता है बहुत रियल है। हड्डी मांस का पुतला, खून का, सब रियल लगता है। इसलिए बहुत सुंदर प्रैक्टिस। मैं तो स्टिल हूं, कितना भी बॉडी बोल रही है अभी, मैं स्टिल बैठी हूं बाबा के पास। मूव भी कर रही है, मूव बोल भी रहा है, मैं स्टिल बैठी हूं। स्टिल बैठी हूं मतलब कि मुझे बाबा की ही फीलिंग अपनी लग रही, मैं उसी फ्रीक्वेंसी में रहकर बोलूंगी। क्लियर? तो बाबा कह रहे हैं अशरीरी बन जा, ये है अशरीरी बनना। ये रीनी भान यहां बैठ के अशरीरीपन की प्रैक्टिस कर रहा है वो नहीं है, ये भान लोअर फ्रीक्वेंसी है, आत्मिक भान हाईएस्ट बाबा समान फ्रीक्वेंसी है। अब मैं आत्मा अपनी स्मृति ज्ञान ज्ञान मिला है, अरे पिया ने ज्ञान बरसाया है। मेरी फ्रीक्वेंसी है अनंत प्रेम, अनंत अतींद्रिय सुख। स्टिल मतलब ना उस सुख का बिगिनिंग ना एंडिंग, स्टिल मतलब ना उस प्रेम का ना बिगिनिंग ना एंडिंग। वो हिलता नहीं है, वो प्रेम ऐसे फ्लक्चुएट नहीं होता है, थोड़ा अभी ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, वो प्रेम फ्लक्चुएट नहीं होता है ऐसे, खुद के प्रति भी नहीं। वो प्रैक्टिकली कैसे दिखता है, हमेशा परमात्मा के साथ आत्मा जब होती ना, एक प्रोटेक्शन होता है, माया मन के संस्कार मुझे टच नहीं कर पाते हैं, एक पावर की फीलिंग होती है। जब वो संस्कार मुझे टच नहीं कर पाते हैं, तो मुझे वो सारी माया मन की स्क्रिप्ट की जो कमजोरियां हैं, माया मन की स्क्रिप्ट की, मेरी नहीं, माया मन की स्क्रिप्ट की जो कमजोरी, लोअर फ्रीक्वेंसी की कमजोरियां, वो मुझे साक्षी होके दिखती हैं। अपनी नहीं लगती, और क्योंकि वो मुझे अपनी नहीं लगती वो लोअर फ्रीक्वेंसी, तो वो एक्शन में भी नहीं आती। क्लियर हो रहा है ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी उसका? अब ऐसा नहीं कि वो बहुत धीमे धीमे आएगी, हाँ भाई तुम माँ बाबा को याद कर रहे हो, तुम प्रैक्टिस करो, मैं धीरे धीरे आऊंगी, माया हूं ना, धीरे धीरे आऊंगी, चिंता नहीं करो, मैं तुमको तंग नहीं करूंगी। वो ऐसे करके नहीं आएगी, आएगी वो ऐसे, वो कैसे आएगी, तूफान लाएगी, वो फीलिंग्स का भंबोर जाल लेके आएगी साथ में। समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे भावों में आएगी। हाँ चोर गेट से, वेरी गुड, चोर गेट से आएगी। हाँ जी पूछे अंशु और कल्पना, थोड़ा सा ये पढ़ लूँ फिर हम आप दोनों के क्वेश्चंस लेते हैं, हाँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाबा ने बोला है, मेरे बन कर फिर मुझे याद कर हे आत्मा बच्ची। माया की बन कर याद नहीं कर सकती है बाबा को, बाबा की बन कर मतलब बाबा समान फ्रीक्वेंसी में रह कर फिर बाबा को याद कर, तो याद करना ही नहीं पड़ेगा ना, बाबा पता है उसको सब, पर कैसे कैसे वो हमें खींचता है अपनी तरफ। बाबा को भूली तो माया का गोला लग जाएगा, लोअर फ्रीक्वेंसी अपनी लगेगी, माया मन की फीलिंग्स अपनी लगेगी, माया मन की थॉट्स अपनी लगेगी, ये अपना लगेगा सब।
बाप को याद करने का खूब पुरुषार्थ करती रहे, मतलब पुरुष अर्थ में टिकी रहे। ये है पुरुषार्थ करने का मतलब, है ना? तो बाप आकर माया से त्याग दिलाता है। माया मतलब माया के संकल्पों, फीलिंग, थॉट से त्याग दिला रहा है। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस। कहते हैं अपने को आत्मा समझ, इस कपड़े को, देह को भूलती जा बच्ची। बस अभी तो हमको जाना है, उस नाटक में भी एक्टर्स होते हैं, उनको भी मालूम रहता है। बस अभी 5-10 मिनट बाद हमारा खेल पूरा होने का समय आया है, फिर हम घर चले जाएंगे, है ना बच्ची? तो खेल पूरा होने के समय यह बुद्धि में रहता है ना बच्ची के, शुरू में नहीं अंत में रहता है खेल के, मतलब वापस नए सिरे से स्टार्ट होने वाला है ऑटोमेटेड मोड पे। तू भी समझती है, मेरे 84 जन पूरे हो गए बाबा, बाकी कितना समय होगा? किसी ने पूछा। तुम कहेंगे हम अब कब स्वर्ग व सुख धाम में जाएंगे? बाबा ने इतना सुंदर जवाब दिया, परंतु बाबा कहता इस लाइफ को तो वैल्यूबल, अमूल्य कहा जाता है बच्ची। क्यों जल्दी है? क्यों जल्दी, किसको जल्दी है? सत्युग आ जाए, कौन माया से हरेस हुआ पड़ा है यहाँ पे, कौन परेशान हुआ पड़ा है माया से यहाँ पर? माया ही हुई भी है माया से परेशान। बाबा बोल रहे क्यों, ये तो अमूल्य जीवन है। बाबा लव्स मी। अरे बाबा का प्यार कब और महसूस करेगी ये आत्मा? तो बाबा बोल रहे हैं तो बड़ी भारी सर्विस करती है श्रीमत पर। ये है सर्विस, पता है आपको, ये सर्विस है श्रीमत पर। आप जितना आत्मा अपने प्रति और परमात्मा के प्रति प्रेम महसूस कर रही हो सत्य स्वरूप में, हाईएस्ट फीलिंग्स में, ये है रियल सर्विस। बिल्कुल। तो बाबा बोल रहे हैं जो भी सब एक्टर्स की एक्टिविटीज हैं उन सबको तू जानती है, शास्त्र तो बाद में बैठ बनाते हैं। बाबा बोल रहे तो सब एक्टिविटीज को अब जान गई है, सब एक्टर्स अपना परफेक्ट पार्ट प्ले कर रहे हैं सिर्फ तुझे अपने एसेंस में लाने के लिए। ये एक्सपेंशन रचा गया है बच्ची। सुंदर, अति सुंदर बाबा की बातें आत्मा के लिए, है ना? तो बाबा कह रहे हैं कि वह क्या जाने, शास्त्र तो बाद में बैठ बनाते हैं, वो क्या जाने, यह भी ड्रामा में खेल बना हुआ है। इतना सुंदर लगता है इसको जब ये सुनती है, ड्रामा का भी एक्सपेंशन इतना रियलिस्टिक, कितनी वैरायटी है। ये शास्त्र बनेंगे, वो शास्त्र लिखे जाएंगे, ये पंडित होंगे, ये पूजा होगी, ये मंदिर बनेंगे, ये वो होगा, ये मैसेंजर आएगा, ये अमेजिंग अमेजिंग नाटक। हॉलीवुड बॉलीवुड पानी भरते हैं ऐसे नाटक के आगे, कुछ नहीं। अरे हॉलीवुड बॉलीवुड भी इस नाटक का पार्ट, नाटक के अंदर नाटक के अंदर नाटक के अंदर नाटक। अमेजिंग, सच में कभी लगता है कैसा बनाया हुआ ये ड्रामा, रियली वाह निकलता है। कितना, और एक छोटी सी आत्मा है जो इसको सेंस ऑफ रियलिटी दे रही है, सेंस ऑफ लाइफ भी दे रही है, और सब नाटक की स्क्रिप्ट है संकल्प, और उसको चलाने वाली आत्मा। शास्त्र भी क्या है, मंदिर किसने बनाए, शास्त्र किसने लिखे, मैसेंजर्स कौन है, ये इतना जो भयंकर नाटक बना हुआ है, एक आत्मा ने लिख, आत्मा ने किया, एक थॉट आया और किया स्क्रिप्ट के अनुसार। इजंट दिस फैबुलस?
ये अंकल कहलाएंगे, ये आंटी कहलाएंगे, ये मम्मी कहलाएंगे, ये पापा होंगे, ये शरीर लेगी, ये शरीर लेगी, ये पर्सनालिटी। वाह 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 मजा आता है कभी सोचते ना एक्सपेंशन को, तब ऐसे सोचते हैं एक्सपेंशन को भी, क्या बनाया है, क्या बनाया है। तो जब बाबा ऐसी ऐसी बातें करते ना, शास्त्र तो बाद में बैठे बनाते हैं, वह क्या जाने, यह भी तो ड्रामा में खेल बना हुआ है, तब लगता है वाह। और सिर्फ इसलिए कि आत्मा को अनुभव करने, एक्सपीरियंसर है, इसलिए सिर्फ उसके लिए बनाया है पूरा खेल। गीता भागवत आदि सब अपने समय पर रिपीट होंगे, वाह देखो सब रिपीट होने वाला है हू बहू। हम आत्मा ही बैठ के गीता लिखेंगी कॉपरेज में, फिर गीता की पूजाएं होंगी, धर्म लिखे जाएंगे, शास्त्र बनेंगे उसके ऊपर बेस्ड। व्हाट अ ड्रामा, व्हाट अ ड्रामा। इसलिए बाबा उसको बोलते हैं बेहद का ड्रामा। सिर्फ एक आत्मा उसके ऊपर बेस्ड है ये पूरा, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी में रह रही है उसके ऊपर ये सारा ड्रामा बेस्ड है, इतना हद तक। अपनी पावर महसूस होती है आत्मा को, कितनी सुंदर है मुरली ये। अब अगर ना पढ़ो ऐसे तो सीधा गए माया के कैंप में। हाँ ठीक है, सुनते हैं, रोज ही सुनते हैं ये तो, है ना सुन सुन के अनसुना कर देते हैं मुरली को, ये कराता है रावण उसमें कृष्णा भी आएगा, उसमें क्राइस्ट भी आएगा, उसमें मोहम्मद भी आएगा, उसमें हिसूस भी क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं वो, अब्राहम भी आएगा, उसमें विवेकानंद भी आएगा, उसमें क्या ड्रामा बना हुआ है। उसमें रीनी भी आएगी, उसमें रानी भी आएगी, उसमें नीलम भी आएगी, उसमें देवाश्री भी आएगी, उसमें लता, मंजू, यामिनी, दीति, कंचन, मंजू सब आएंगे वाह 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 क्या ड्रामा है ये इमेजिनरी, सब इमेजिनरी। और उसको एक्सपीरियंस कौन करेगा, एक टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट जो कि मैं हूं। और फिर संगम में आऊंगी, मुझे इसका पूरा पता होगा। वाओ 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 के अलावा कुछ निकल नहीं सकता आत्मा के मुंह से, इसलिए बाबा के मुंह से सिर्फ ये निकलता है वाह ड्रामा वाह। अरे ये माया मन नहीं बोल रहा है वहां ड्रामा वाह वहां ड्रामा वाह, नहीं ये दिल से निकलेगा आत्मा के। बिल्कुल अब निकल रहे हैं ना, क्योंकि बाबा दिखा रहा है हमको सब कुछ। हाई ड्रामा हाई उसके निकलता है जो लोअर फ्रीक्वेंसी में होता है, वो भी ड्रामा का पार्ट। चलो हम उसको भी देख के बोलेंगे वाह ड्रामा वाह, जो हाई हाई कर रहा है उसके लिए भी वाह वाह है ना, वो भी ड्रामा का पार्ट किसी का या अपने मन का। मन हाय हाय कर रहा है, मैं वाह वाह कर रही हूं तो इतना समय हम माया की मत पर चलते आए बच्ची, अब कितना क्लियर बता रहा है बच्ची। बाबा कह रहा है ना, तू बाबा की मुख वंशावली है बाबा,
हम आपके हैं तो कहती है ना बाबा को बच्ची कि हम तो आपके हैं बाबा, इतना समय में माया की मत पर चलती आई, अभी आपकी मत पर चलूंगी बाबा। माया कोई मुख से मत नहीं देती है बच्ची, एक्ट ही ऐसा करती है। यहाँ तो बाप मुख से बैठ समझाता है, माया मुख से मत नहीं देती, माया एक्ट करवाती है। परफॉर्मेंस चल रहा है, 2,500 साल से माया का परफॉर्मेंस चल रहा है। एक्ट ऐसा करती है, यहां तो बाप बैठ मुख से समझा रहा है तुझे। तो तू बच्ची ज्ञान डांस करती है ना, इसलिए कहा जाता है सच तो बिठो नच। तो ज्ञान का डांस कर रही ना आत्मा, कितना सुंदर ज्ञान है ये। मुक्ति एक सेकंड में समझ में आया सही तरीके से। तो सच जहां पे है वहां नाचती है आत्मा, अरे नाचती है। ऐसा नहीं कि परमधाम में बैठ के ही नाच सकती है, नाच तो कहीं पे भी नाच सकती है आत्मा अगर जागृत है तो, क्योंकि मेरे लिए यहां वहां नहीं है, मैं जहां हूं वहां खुशी, मैं जहां हूं वहां सेलिब्रेशन। है ना? तो बाबा ने बोला है, इसीलिए इसको यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, पाठशाला भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर महाराजा महारानी बनते हैं। अब ये महाराजा महारानी बनने का अर्थ, आत्मा को अपनी वो आत्मिक खुशी अनुभव हो रही है, वो ही तो महारानी की खुशी होगी सत्युग में, कहीं और से लेके आएगी क्या? अब भी अनुभव हो रही है आत्मा को वो खुशी। तो अब हम क्या करते हैं प्रैक्टिकली, क्या होता है जब ड्रामा की इतनी क्लियर वैरायटी की समझ होती है ना, हम वैरायटी पार्ट्स परिवार के अंदर देखते हैं, कोई कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई फूल फेंक रहा है, कोई गालियां दे रहा है, कोई तारीफ कर रहा है, अरे इतना वैरायटी नाटक का पार्ट है ये, संकल्प मुंह से निकल रहे हैं बस, और आंखों से वो रियल दिख रहे हैं, वो आंखों से आत्मा को वो रियल दिख रहे हैं। तो ये टाइनी सी पॉइंट है, जो सब कुछ देख रही है। तो बाबा कह रहे हैं इसको यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, पाठशाला भी कह सकते हैं, सत्संग को भी पाठशाला नहीं कहा जाता। श्रीमत तो सदैव कहेगी, भैंस बुद्धि नहीं, पत्थर बुद्धि नहीं, बच्ची मड में मत वॉलो कर माइंड के। बाबा की फ्रीक्वेंसी में वॉलो कर, वॉलो मतलब लोटपोट, लोटपोट होता है ना वो सुअर, लोटपोट होता जाता है मिट्टी में लोटपोट होता जाता है वैसे आत्मा बाबा के अंदर लोटपोट होती जा बस उसकी फ्रीक्वेंसी में रह बस। अरे मैं जो हूं जैसी हूं, अरे मैं तो फैंटास्टिक हूं, जो हूं जैसी हूं का क्या मतलब हाँ? ओम शांति, मैं तो फैंटास्टिक हूं, फैंटास्टिकल, मार्वलस शब्द नहीं है मेरे पास आत्मा को एक्सप्रेस करने के लिए। आत्मा के पास घमंड नहीं बोलता है ये, आत्मा की स्मृति बोलती है। जैसे अपने आप को देखेगी ना आत्मा, वैसे ही दूसरी आत्माओं को भी देखेगी। जिसका अपने पार्ट के प्रति रिस्पेक्ट होगा, उसका दूसरे के पार्ट के प्रति अपने आप ही रिस्पेक्ट होगा, और वो तब होगा जब इतनी समझ क्लियर होगी
इसलिए बाबा कहते हैं बच्ची अंधों की लाठी बन, सुनना और फिर सुनाना है, इसलिए सर्विस में दूर जाना भी पड़ता है, एक जगह बैठ तो नहीं जाना है ना। नहीं नहीं कि बस इसी सेंटर पे तो इसी से चिपकी रहूं। सारे सेंटर से हमारा रिश्ता अच्छा, सब बाबा के हैं, है ना, क्योंकि मैं गॉड सेंटर्ड हूं, मैं गॉड सेंटर्ड हूं तो सारे बाबा के सेंटर्स मेरे। ट्रू। अब गॉड सेंटर्ड नहीं हूं तो मैं सेंटर सेंटर्ड हो जाऊंगी। ठीक है जी। वैसे तो ब्लेसिंग भी बहुत सुंदर है, आई नो क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, तो ब्लेसिंग पढ़ूं, और स्लोगन भी बहुत ही सुंदर है, पढ़ लूं एक बार। अच्छा, आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है, अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं, भिन्न भिन्न प्रकार की यह चोट तो आत्माओं को लगती है ना। कौन सी दुख, चिंताएं, समस्याएं, कौन सी संस्कारों की खुद के आत्मा चोट खाए बैठी है, यह अग्नि जीते हुए जलने का अनुभव कराती है। जीते जी जल रही आत्मा इन संस्कारों में, अपना समझकर। आत्मा जलती नहीं है, पर आत्मा को ऐसी फीलिंग जैसे कि लग रहा है सपने में कि मैं जल रही हूं उसको, क्योंकि सपना रियलिटी लग रही है। तो लेकिन आप ऐसे जीवन से, हे आत्मा बच्ची, बाबा की बच्ची निकल, श्रेष्ठ जीवन में आ गई है ना बाबा की बच्ची, तो अब आप, हे आत्मा, बाबा का प्यारा सा सितारा शीतल सागर के कंठे पर बैठी है, बाबा की गोद में बैठी है। गोद में मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी है। अति इंद्रिय सुख शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो तो रहम दिल बन, अन्य आत्माओं को भी अनेक प्रकार की आग से बचाओ। रहम दिल मतलब पहले मैं बाबा की फ्रीक्वेंसी में सबको उसमें खींच लूंगी अपनी दृष्टि से, बाबा के साथ, बाबा की दृष्टि मेरी दृष्टि, बस खींच लिया। बाबा की आंखें मेरी आंखें, अब जब कोई है ना विजुअल करता है ना ब्रह्मा की आंखों के बीच में बाबा का सितारा, हम उसको विजुअलाइज कर, उसका मीनिंग क्या है? अरे बाबा की दृष्टि मेरी दृष्टि, ये उसका मीनिंग है। अब उसको विजुअल री नहीं कर रही, विजुअलाइज इस भान में, ये पर्सन आइडेंटिटी उस भान में उसको विजुअलाइज कर रही है, मैं देख रही हूँ ये दिख रहा है ये। अरे इसका मीनिंग है, आत्मा जो ब्रह्मा के पीछे थी ना, उसको बाबा की ही दृष्टि थी देखने में, ये मीनिंग है उस इमेज का। हमने क्या ले लिया, स्थूल, भक्ति की आदत पड़ी ना हर चीज को स्थूल बनाकर देखने की, तो वो आदत यहां पे भी छूटती नहीं है, है ना। तो अति इंद्रिय सुख शांति की प्राप्ति में समाये हुए रहे बच्ची, गली गली में ज्ञान स्थान बनाकर सबको ठिकाना दे। गली गली में मतलब आपका एक एक आत्मा का ट्रुथ में रहकर बाबा का एक एक संकल्प हर आत्मा को पहुंच रहा है बस। जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है उन्हें अशरीरी बनना सहज है। ये पूरी मुरली का सार आ गया इस एक स्लोगन में। है ना। अच्छा जी, क्वेश्चंस, पहले आई थिंक अंशु और एक और कल्पना दो थे। पहले रेणु गोयल का हैंड रेस था, फर्स्ट फर्स्ट। ओके, सो रेणु गोयल आप हैं क्या, सिस्टर रेणु? शी इज नॉट देयर। सो कल्पना कपासे उनका क्वेश्चन था, सिस्टर कल्पना। ओम शांति शांति। दीदी, जब आप बोल रहे थे ना कि जैसे धर्म आते हैं तो जैसे इतना नाराजगी आती है, उदासी आती है, ऐसे कल ही मेरे साथ प्रसंग हुआ, किसी ने मुझे कुछ बोला
मुझे बहुत उदासी आई, नाराजगी भी आई, रोना भी आ रहा था। वो मैं साक्षी होकर उसको देख भी रही थी बाबा के साथ बैठ के, लेकिन मेरे मन में संकल्प आया कि इनके साथ ज्यादा मतलब नहीं जाना, यही अच्छा है। तो आपने बोला ना प्रेम में जब आप हम साक्षी होकर देखते हैं, बाबा के साथ रहते देखते, तो वो उस प्रेम में फ्लक्चुएशन नहीं आता है। तो मेरे मन में अगर संकल्प आया कि अब या बाद इनके साथ ज्यादा नहीं जाना ही अच्छा है, तो मेरे प्रेम में फ्लक्चुएशन आया ना जब मैं आत्मीय बिल्कुल से प्रेम। बिल्कुल, सबसे पहले देखना आप, आपकी भाषा इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर थिंकिंग, हाँ, एंड थिंकिंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्मृति। मुझे किसी ने कुछ बोला, कौन हाँ मैं? ओके, मैं देह भान में रहकर मैं बोल रही हूँ। मुझ आत्मा के पार्ट को किसी ने कुछ बोला, नो प्रॉब्लम। मुझे किसी ने कुछ बोला, ऑलरेडी मैं देहभान में हूं, और देहभान में ही उनकी बात भी सुनी मैंने। वो पार्ट को बोल रहे, उस आत्मा का पार्ट है, उसकी स्क्रिप्ट है, वो टाइनी सी पॉइंट उस बॉडी को यूज करके अपनी स्क्रिप्ट प्ले कर रही है। मैं टाइनी सी पॉइंट बॉडी को यूज करके बाबा की फ्रीक्वेंसी में बैठ के सुन रही हूं, तो मुझे वो शब्द फूल लगेंगे उस वक्त। हाँ, तो ट्रू, देह भान में रहकर मैंने सुना। हाँ, तो हाँ जी। मेरे प्रेम में भी फ्लक्चुएशन आई इसलिए। नहीं, हाँ फ्लक्चुएशन ही हम देख रहे हैं इसमें। अब अपने माया मन फिर ये ना बोलना शुरू कर दे, मैंने ये गलती करी, मैंने वो गलती करी। अगर वो बोल भी रहा है माया मन, अच्छा मैंने ये किया, मैंने नहीं बोलना उसको, मैं आत्मा देख रही हूं, मन ऐसे बोल रहा है। डिस्टेंस एटलीस्ट थिंकिंग के स्टार्ट पे तो कर दें, लेवल पे, अपने आप वो धीरे धीरे अलग हो जाएगा, हाँ है ना? हाँ तो ठीक थिंकिंग के लेवल पे अलग करना शुरू कर दें एटलीस्ट, या अपने अंदर माया मन ऐसे बोल रहा है, वो अलग है, मैं तो ये हूं। माया मन को ऐसे बोला, किसी ने मेरे पार्ट को ऐसे बोला, मैं तो ये हूं पर पार्ट को ऐसे बोला किसी के पार्ट ने, पर मैं कौन हूं जो कि जिसके अंदर मेरा पार्ट है? मैं कौन हूं जिसके अंदर ये पार्ट चल रहा है? तो वो मेरी स्मृति हो तो अलग ही आपका एक भाव, हाव, एक्शन, रिएक्शन सब अलग होगा, है ना? क्लियर हुआ कल्पना? हाँ हाँ जी, हो गया क्लियर। अभी हाँ जी, थिंकिंग में मतलब सोचती था, लेकिन बाहर थिंकिंग में मेरे आता है मैं, अभी समझ मुझे आया क्लियर बोला, हो गया। मैं ये, मैं मुझे का हाँ सेंस आइडेंटिटी इस पार्ट से हाँ बहुत हाँ ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी हाँ सिस्टर मंजू, आपको भी कुछ पूछना था ना मंजू? सिस्टर मेरा कह रहे हैं? हाँ जी, आपका नहीं, हैंड वो रेस। हाँ वो इसलिए था, वही जो आपको उस समय मैसेज किया था कि वीडियो नहीं ऑन हो रहा था ना, वो इसलिए। ओके ओके, तो फिर अंशु, सिस्टर अंशु, अंशु सिस्टर अंशु आई कैन सी सिस्टर हर, वो शायद है नहीं। या मेबी टुडे आई थिंक एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, एवरीबडी इज इंट्रोस्पेक्टिंग, नो वेरी बिजी एवरीबडी। इट वाज अ वेरी लवली एंड अ डीप क्लास, सो आई थिंक एवरीबडी बिजी इंट्रोस्पेक्टिंग। दीस क्वेश्चंस विल कम अप टुमारो आई थिंक नाउ। नो प्रॉब्लम, नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है तो भी बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी बहुत अच्छा। अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या जा रहा है वो बहुत अच्छा, अंडरस्टैंडिंग से नहीं आ रहा है तो वो भी बहुत अच्छा, है ना? हाँ जी, या ठीक है, बट कैन आई आस्क समथिंग? अच्छा अंशु सिस्टर, हाँ मुझे आप पता नहीं किसने मेरा लोअर हैंड कर दिया, बस वंडरिंग, और आराम से पेशेंस में बैठे हुए ऐसे, नो बडी इज टेकिंग अंशु सिस्टर, नाउ आई सॉ ऑन माय ओन ड्रामा एज पर प्लान, माय हैंड वाज डाउन, आई वाज वंडरिंग। ओके सिस्टर, जब तरंगों की बात चली तो आज फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आया, तो एक छोटा सा सुबह का अनुभव,
छोटी सी देर के लिए नेचर वॉक के लिए गए, जब गार्ड ने बोला कि आपकी ढूंढ हो रही है और लैब वाले बैठे हुए हैं। हम भूल भूल क्या गए, वो 8 बजे आता है लैब वाला, रिपोर्ट एनुअल जो रिपोर्ट्स कराते हैं 3 मंथ्स में ब्लड टेस्ट की। सो पहले होते तो जो फ्रिक्वेंसी वाली बात चली ना तरंगों की, तो हमारी जो एक हल्की फुल्की आत्मा की प्यारी सी अवस्था थी उसी में रहे, नहीं तो पहले होता तो पैर के चलने में भी स्टम्बलिंग हो जाती। 8th फ्लोर पे घर है, लिफ्ट से आए और वो भाई है बाहर बैठा हुआ था जो लैब वाला है, आराम से तो आते ही देख के, और गार्ड ने हमको काफी डरा दिया, सर के 20 फोन आ गए जो भी था। तो गार्ड भैया ने कहा आ गए मैम, आ गए दीदी, आ गए जो भी। सो भाई स्टार्टेड सेइंग समथिंग, आप बिलीव नहीं करोगे, अब मुझे ये लग रहा है कि हमको न्यू अंडरस्टैंडिंग के साथ थोड़े बहुत अपने अनुभव देखने चाहिए। और इस आत्मा ने क्या किया, तो ही स्टार्टेड सेइंग इट्स ओके, हम तो बैठे वहां निडल निकाली उसने, खूब अच्छे से ब्लड ब्लड भी निकाला, कोई संकल्प नहीं, उसको स्वीट दिया। ही वॉज नॉट एट ऑल अपसेट कि आप 15-20 मिनट बाद लेट आए, बिकॉज यूजली हमेशा वो 8 बजे ही आता है, एंड आई वॉज एट 8:05, बट ही वॉज वेटिंग लास्ट 25 मिनट्स। सो यहाँ ये बोलना है, ये एक सीखने को मिला। और जो ये भाई आत्मा है इसको भी खास प्रॉब्लम नहीं हुई, उन्होंने जो था रिजेंटमेंट रेजिस्ट ठीक है, बिल्कुल प्यारी सी आत्मा है जो उन्होंने दिखाया, इट वाज ओके। बट इस आत्मा ने जो अनुभव किया, ड्रामा का सीन था, उनका फर्ज बिल्कुल ठीक था उनके हिसाब से, बट इस आत्मा ने कोई दुख नहीं लिया, एंटेंगल नहीं हुई, फंसी नहीं। और उसके बाद ये भूल भी गई थी, जब तरंगों की बात हुई ना तब आया, ये अनुभव पता ही नहीं था, कहाँ मर्ज भी हो गया था, बट जब सिंस तरंगों की, तो हम अपनी, और सबसे एक रिक्वेस्ट है इस प्लेटफॉर्म पे कि हम ना हमेशा बोलते तो रहते हैं कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा जो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ जो बिहेवियर में बदलाव आ रहे हैं, खुद को सफर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये भी छोटे छोटे अनुभव जो हैं ये काफी मीनिंगफुल है, तो जब भी करें तो सबको अपने आप को पैट दे सकते हैं कि हमारी सोलफुलनेस वहां पे अवेयर। और इसके साथ साथ हमें लगा, अभी शाम को आपका जब तरंगों की बात चली, तब ये मन माया ने और हमने जो एक निचोड़ निकाला कि हमें कोई जरूरत नहीं है किसी से डरने की, कुछ गलत हो भी जा रहा है ये ड्रामा में हो रहा है भाई, हम एज ए सोल तो हम कुछ किसी को हर्ट कर भी नहीं सकते कभी, और ऐसे हो भी रहा था, तो इनको भी एम्पावरमेंट एक मिला। क्यों? क्योंकि हमने उनकी कुछ भी अनजस्ट जो जो भी ड्रामा प्लान सर उन्होंने किया, हमने उसको रिएक्ट नहीं किया और दुख नहीं लिया, उनको और मौका नहीं दिया हमें गिल्ट फील कराए। मींस कि कहीं ना कहीं यदि हम बोल्ड होते हैं और ज्यादा युक्ति युक्त नहीं होते हैं, झूठ सच का लेपेप नहीं करते, एज इट इज जो भी हो रहा है गो विद द फ्लो और इट्स ओके, क्या हो गया है कुछ भी हो गया, कि व्हाई शुड वी सफर अननेसेसरीली, होता है इट्स ओके अप एंड डाउन। सो इस आत्मा का ये अनुभव था, तो ये लगा तरंगे यदि मेरी फ्रिक्वेंसी अपने साथ की है, इफ आई एम विद माई सेल्फ एंड आई एम इन इन टू द एक्शन ऑफ अदर्स फ्रिक्वेंसी, आई हैव टू विन ओवर 100% बिकॉज ही इज देयर, जो आपने बोला। सो ये छोटा सा एक फीलिंग थी तरंगों की। ओम शांति। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग। गीता गर्ग, हाँ जी, आप अनम्यूट कर सकती हैं। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। सिस्टर जैसे कल आपसे बात हुई थी उसके बाद तो मतलब इस आत्मा को काफी क्लियर हो गया, और उसके बाद जैसे आप मेडिटेशन हम स्टार्टिंग में जब क्लास ली तो थोड़ा लिखते थे, तो आज मॉर्निंग में उसको दोबारा से रीड किया, फिर समझ में आया। अब लग रहा था सिस्टर 2 महीने से यही बातें तो बता रही है वो, अब समझ में आ रही है कि आत्मा को कुछ भी टच नहीं कर पाता, कोई संकल्प कोई डिजायर कुछ भी नहीं, आत्मा तो इस भान से बिल्कुल अलग है। अब ये ज्ञान इतना क्लियर हो रहा है कि अब समझ में आ रहा है कि आप बार बार कहते थे कि आत्मा तो थॉटलेस है, डिजायरलेस है, आत्मा तो बिल्कुल अलग है, स्वप्न है। अब दीदी क्लियर हुआ है कि अच्छा इसको ही आत्मा को वो कहते हैं कि बॉडी, वो आत्मा बिल्कुल अलग है, बिल्कुल मन बुद्धि संस्कार आत्मा के अंदर है, और जो कुछ कहते हैं ना कि इसको ये संकल्प आ रहा है नेगेटिव पॉजिटिव, इस आत्मा को ना पहले दीदी सिस्टर ये समझ में नहीं आया था। अच्छा ये लग रहा था कि आपने जैसे एक बार कहा था कि
मन की चेकिंग, मन की, वो लग रहा था कि शायद संकल्पों की ही चेकिंग करनी है, पर बाबा के साथ रह के करनी है। रहना तो बाबा के साथ है, आत्म स्मृति ही मेन, फिर चेकिंग करनी है। और हम, मैं आत्मा क्या कर रही थी कि सिर्फ संकल्प को चेक कर रही थी, अच्छा अच्छा बुरा अच्छा बुरा, इसमें ही फंसी हुई थी। अब क्लियर हुआ कि संकल्प को नहीं, आत्म स्मृति को पर फोकस रखना है। कल बहुत बहुत क्लियर हुआ। थैंक यू बाबा, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू बाबा, ओम शांति। सिस्टर प्रमीला आपका हैंड रेज था, आपको कुछ पूछना था? नहीं कुछ नहीं पूछना। ओम शांति दी, थैंक यू सो मच। आपका क्वेश्चन था यामिनी? हाँ, मेरे को ये क्वेश्चन था दीदी कि व्हेन यू सेड कि वी नीड टू बी एट द हायर फ्रीक्वेंसी तो वी डोंट गेट कैच्ड अप इन द लोअर फ्रीक्वेंसी, तो अगर मैं लोअर फ्रीक्वेंसी में आ गई हूँ, कॉट अप हूँ, तो हाउ टू गेट ओवर टू दैट हायर फ्रीक्वेंसी, सो दैट यू नो समटाइम्स वी कैन नॉट बिल्ड अप दैट डिफरेंस इज सो मच कि इट बिकम्स डिफिकल्ट टू गो टू दैट हायर, सो फॉर दैट एनी स्टेप्स लाइक वुड यू सजेस्ट कि या 1 2 3 एक सेकेंड स्टेप्स में निकलना होगा, एक सेकेंड से ज्यादा लगा फंस जाएंगे, और दैट इज फंसी गुड, भी हूँ फंसी वन तो हुई सेकेंड। हाँ फंसी भी हूँ, निकलना जैसे ही रियलाइज हुआ कि फंसी भी हूँ, वन सेकेंड, इट कैन नॉट टेक लॉन्गर देन वन सेकेंड, नहीं तो फिर माया निकलने की मेहनत करेगी। एक एग्जैक्टली सेकेंड में तूफान है, मुझे आत्मा को फिर भी कुछ नहीं हुआ, भले ही मैं फंसी भी थी, पर मुझे आत्मा को कुछ नहीं हुआ। आइसोलेट द आई, आइसोलेट द आई, तूफान के मध्य में है और तूफान मेरे अंदर है, दोनों दोनों चल रहे हैं। मैं पॉइंट हूँ, अनटच पॉइंट, बस उसमें अगर निश्चय से आत्मा ने समझ के देख लिया कि ये सिर्फ संकल्पों का और फीलिंग्स का तूफान है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, भले ही ये एक्शन में भी आया है मान लीजिए, पर फिर भी कोई रियलिटी जो है आत्मा की चेंज नहीं हुई है। आत्मा तो अभी भी वो टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट ही है, वो ही मैं हूं, और सबसे पहले मुझ आत्मा का सत्य नहीं बदला है। इसलिए किसी ने जब इसको पूछा था एक क्वेश्चन, हमसे गलती होती तो हमें सॉरी तो बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए, सॉरी वर्ड में नहीं है कुछ ताकत। मैं आत्मा सबसे पहले, कुछ एक्शन में आ भी गया, सबसे पहले हु एम आई विद बाबा, सब भूल जाओ, भूल गई एक सेकंड में वो सीन फिनिश्ड, सबसे पहले मैं कौन, अपने परफेक्ट फॉर्म में, उस टाइमलेस बबल में जिसमें आत्मा को कोई लास्ट संकल्प, लास्ट सेकंड टच नहीं कर सकता, लास्ट एक्ट भी टच नहीं कर सकता, पहले उस बबल में आ जाए आत्मा। कौन हूं मैं? अब मन की भाषा नहीं सुनना, ये हूं वो हूं नहीं, बाबा की नजर से देखे आत्मा, बिल्कुल साइलेंटली। आत्मा का पॉइंट ऑफ लाइट को कुछ हुआ? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वो पॉइंट ऑफ लाइट में हूं। पहले तो उस स्मृति में आत्मा बाबा के पास बैठे, अपने आप ही जो भी राइट आंसर होगा, जो भी लोअर फ्रीक्वेंसीज हैं, सब अपने आप झुक जाती। पहले आत्मा बाबा के साथ, सैक्रिफाइस योर माइंड फर्स्ट, चाहे कैसी भी हालत हो उसकी, मन मना भव फर्स्ट। जब वो ईगो माइंड सैक्रिफाइस होगा तो आत्मा को पता चलेगा मैं चिपकी हुई हूं बाबा के साथ, मतलब मुझे कुछ नहीं हुआ है, ना कोई एक्ट टच कर सकता, ना कोई शब्द टच कर सकते, ना कोई फीलिंग टच कर सकती, आइसोलेटेड पॉइंट, अशरीरी आत्मा, ये है अशरीरी। यस थैंक यू, दीदी इसके लिए तो हल्का सा एक संकल्प तो यूज करना पड़ेगा ना कि मैं बाबा के साथ आइसोलेट, फीलिंग और समझ से हम कर रहे हैं, समझ आत्मा जो से संकल्प यूज कर भी रही है ना, वो आत्मा को पहले ये पता है कि मैं आत्मा निर्संकल्प हूं। हाँ जागृत होकर, आत्मा जागृत होकर एक संकल्प तो यूज करेगी कि वो अपने आप मेरी, संकल्प की सपोर्ट महसूस नहीं करेगी, हाँ भले ही वो आ जाएगा, जैसे हम बोलते हैं विजुअल आ जाता है अपने आप, संकल्प भी अपने आप बाबा से आ जाएगा, पर मुझ आत्मा को किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ये पहले क्लैरिटी हो।
समझ आ जाती है खुद कि भाई हाँ हाँ, इसमें एक क्या अनबोली समझ है ये, जी। अनबोल समझ है ये, बिना बोल वाली समझ है ये, जी, है ना। जैसे आत्मा अपने आप को बताती है कि मैं प्योर लाइट हूँ, एक थॉट क्रिएट हो गया, किया नहीं हो गया, क्योंकि बताने के लिए, क्योंकि मैं कहाँ माया में फंसी हुई हूँ, तो अपने आप को वहां से निकालने के लिए या आइसोलेट करने के लिए एक मैं प्योर लाइट हूँ, अपने आप को याद हाँ दिल स्मृति समझ स्मृति, प्योर लाइट हूं, बोलने की जरूरत नहीं होती, मन के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, पहले बस दिख जाता है आत्मा को, वो फीलिंग होती ना, क्योंकि वो ही मैं हूं, मेरे बिना तो ये थॉट भी पॉसिबल नहीं है कि मैं आत्मा हूं, मैं ही नहीं हूं तो फिर ये थॉट भी कौन करेगा कि मैं आत्मा हूं, जी मेरे बिना तो थॉट ही पॉसिबल नहीं है, तो पहले मैं वो जिसको थॉट के भी सपोर्ट की जरूरत नहीं, पहले वो स्मृति क्लियर हो, फिर भले ही थॉट आएगा, बाबा देगा थॉट, पर वो जी थॉट ऐसे लगेगा कि वो थॉट थॉट ने आपका स्वरूप ले लिया है, जी 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 थॉट ऐसा आपका ही एक्सप्लेन। गुलाम हो, ऐसी फीलिंग होगी उसमें। हाँ जी, ये हाँ फीलिंग जी, थॉटलेस आत्मा एक थॉट को बस हल्का सा यूज कर, ऐसा टाइप में फीलिंग आ यूज जाती नहीं करती, वो अपने आप सर्व करता है, जी। फर्क है, सर्व नेचुरली आता है, नेचुरली आत्मा को कुछ करना, साइलेंट प्रेजेंस सबसे पहले ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, ना आत्मा को थॉट की जरूरत है, ना बॉडी की जरूरत है, ना संस्कारों की जरूरत है, ये है अशरीरीपन, साउंडलेस, साउंडलेस, वाणी से परे, एक भी संकल्प की भी आवाज ना हो उसमें, पहले अपनी वो स्मृति क्लियर, उसके बाद बहुत टाइम नहीं लग रहा है हमको उसमें, वो शायद आपको ऐसा लगेगा साइमल्टेनियसली ही चल रहा है, जी पर वो आत्मा बाबा के साथ जो है ना, उसको एकदम से लगेगा कि अपने आप ही थॉट आ रहा है, बाबा अपने आप ही देख, वो साथ साथ चल रहा है, पर मैं ये हूं और फिर थॉट आ रहा है ना, हाँ दीदी, थैंक यू दीदी। क्लैरिटी। हमें ऐसा नहीं कि हमें संकल्पों से कोई दुश्मनी है, नहीं, बाबा के संकल्प तो हमारे साथी हैं कोई भी संकल्प माया के भी हमारे दुश्मन नहीं है बस वो हमारे नहीं है ना। जी दीदी, थैंक यू। थैंक यू बाबा, ओम शांति। ओम शांति, बी ओम आत्मा बाबा, शांति। ओम शांति। तो हम एकदम आइसोलेटेड आत्मा ओम को फील, शांति। थैंक यू बाबा। है ना, बाबा को एकदम, अब ये कंटिन्यू होगा, उसमें अब एक्शन में भी आएगी, डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स सब होंगे, सब बदलेगा, बॉडी और माइंड बदलती रहेगी, अभी पूरे दिन और रात, नींद में भी और जागृत, नेक्स्ट डे आत्मा होगी तभी, वो नेक्स्ट डे भी माया माइंड ही है, कंटिन्यूएशन में है ये ड्रामा भी, आत्मा वही है, आइसोलेटेड आए, एकदम अलग, और बाकी सब कुछ भी, सब त्याग दिया, सब त्याग दिया, बस एकदम अलग, ये मैं, ओनली गॉड्स फ्रीक्वेंसी है, बाकी फ्रीक्वेंसीज हैं आसपास समंदर की तरह, मेरे अंदर और बाहर, अंडर लेन देन ही नहीं है मेरा, टाइनी सी पॉइंट, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।